आज चित्रगुप्त भगवान का दर्शन करने का यही है कि हमारे ये पूर्वज हैं, हमारे देवता हैं, चित्रांश के ये देवता हैं। तो हम लोग कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो शुभ यही इन्हीं से करते हैं। एक तो प्रथम गणेश जी हैं और दूसरा हमारे देवता हैं, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। कभी घर से कदम कुछ भी शुभ कार्य हो तो हमारा चुनाव शुभ कार्य है, तो इसलिए हम अपने भगवान को दर्शन करने आए, उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है कोई भी ठोस कदम के लिए, तो हमारा निर्णय यही था कि भगवान का दर्शन करके ही कदम निकाले आगे। वार्ड 44 की न्यू वर्तमान पार्षद जी, आप मेयर के लिए खड़ी हो रही है, क्या मकसद है? मकसद मेरा साफ है कि हमको अपने पटना को सुंदर साफ बनाना है, ग्रीन और क्लीन बनाना है, ये मकसद है मेरा। वार्ड 44 में आप अपने पांच मुख्य कामों को बता सकते हैं? वार्ड 44 में मेरा कचरा मुक्त है, ग्रीन पटना, ग्रीन वार्ड को किए हैं, 44 वार्ड को ग्रीन किए हैं। आप सब देखे हैं, सब लोग अभी भी देख सकते हैं कि जहाँ डंपिंग था, कचरा का ढेर था, उसको हटा करके ग्रीन किया गया। हर घर में हर दिन डोर टू डोर मिलना, सबसे संपर्क बनाए रखना, और झुग्गी में भी जाना, बिल्डिंग में भी जाना, ये दोनों कार्य मेरा रहा है। ईमानदारी पूर्वक किए, ये सबसे बड़े काम है कि ईमानदारी पूर्वक काम के, किसी से एक पैसा लेना नहीं, जहाँ तक घर से दे देना है और काम करना है, ये मेरा काम है। मेरे पास मुद्दा बहुत सारा है। मेयर का काम सिर्फ ये नहीं है कि हम रोड को झाड़ू लगवा दे, कचरा हटा दे, बस हो गया। मेयर का बहुत सारा जिम्मेवारी होता है और पूरे पटना का जिम्मेवारी होता है। मेयर का पटना नगर निगम से लेकर के पूरे 75 वार्ड जो है, हर वार्ड में देखना है किस वार्ड में कितना काम हुआ, नहीं हुआ, नहीं होता है तो पटना का ये जो मेयर है उनका जिम्मेवारी है। अगर हम इस पद पे आते हैं तो हमारा जिम्मेवारी बनता है कि 75 वार्ड में क्या हुआ, नहीं हुआ, सुचारू रूप से काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, मेरा देखना, मैं अध्यक्ष हैं इसलिए हमको देखना फर्ज बनता है और पूछना भी फर्ज बनता है कि आपके वार्ड में क्या हुआ नहीं हुआ। ईमानदारी पूर्वक हर पार्षद से मिल करके उनके वार्ड के समस्या को पूछना और करना, जैसे हम अपने वार्ड के समस्या को हर जनता से पूछते हैं, तो हम अपने पार्षद से भी पूछेंगे, हम अपने सफाई कर्मी से भी पूछेंगे कि कहाँ पे आपका कमी हो रहा है, क्या आपको चाहिए। तो वो मेरा फ़र्ज बनता है, एक माता के रूप में अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें, तो ये फ़र्ज बनता है अध्यक्ष का। रह कर नगर निगम के कर्मचारी जो है धरना देने लगते हैं और हड़ताल पे चले जाते हैं, और निवर्तमान मेयर कहते हैं कमिश्नर साहब देखेंगे, कमिश्नर साहब उन पे थोपते, दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। आप अगर जीतते हैं तो क्या कदम उठाएंगे? मेरे मन में हमेशा उनके साथ समर्पित रहते हैं जो सफाई कर्मी है, क्योंकि हम लोग बिल्डिंग में रहते हैं, एसी में काम करते हैं, एसी गाड़ी में चलते हैं, लेकिन वो बेचारी नाली में घुसते हैं, जो महिला है वो झाड़ू लगाती हैं, और उनके जीवन का कोई सुरक्षा ऐसा कुछ बीमा नहीं है कि उनके अगर कोई घटना घटता है तो उनको, उनके फैमिली को कुछ ऐसा सपोर्ट मिले, ऐसा कुछ नहीं है। और वो जो डिमांड करते हैं वो बिल्कुल सही है, हम उनके साथ हैं। अगर हम मेयर बनते हैं तो हम अपने जो 75 वार्ड के सफाई कर्मी हैं, जो उनका मांग है सबसे पहले वो पूरा करेंगे। मैम पहले के होता था कि वार्ड पार्षद चुनते थे मेयर, अब जनता चुनेंगे, तो कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? ये चुनौतीपूर्ण नहीं है, ये हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसा मौका मिल रहा है कि ऐसे सरकार के ओर से जो आदेश आया है, तो हम लोग के लिए, हम महिलाओं के लिए सौभाग्य है, और एक शक्ति भी है कि जनता को ये शक्ति मिला कि वो खुद अपने पसंद से चुने, ताकि कल हो के आरोप नहीं लगा सकते हैं कि आप ऐसा किए या पार्षद ऐसा किया या कोई भी किया, कोई आरोप किसी को नहीं लगा सकता है। जनता खुद चुन के लाएगी और उनको विश्वास होगा कि अपने वोट पे कि हम अपने जो मेयर चुने हैं वो सही चुने हैं। किस तरीके का फीडबैक मिल रहा है, आप जा रही होंगी जनता के? बहुत अच्छा, हम 17 में भी जब घर से निकले थे तब भी अच्छा ही सब लोग बोला, और काम को भी सराहा और काम को देखा भी, और अभी भी जब घर से निकलते हैं तो लोग यही विश्वास दिलाते हैं कि आप जीतेंगी और ज़रूर काम करेंगी, बहुत अच्छा काम करेंगी। एक करवा क्वेश्चन होगा जी, जनता माला सिन्हा को क्यों मेयर बनाए पटना का? जनता इसलिए बनाए कि वो देखे हैं मेरा काम, और हम कभी किसी से कुछ आशा, बस आशीर्वाद का आशा रखते हैं, बाकी कुछ का नहीं, और जितना भी हो सकता है दिन रात हर समय मेहनत करना चाहते हैं और मेहनत करते हैं। लोग देखते हैं कि हर कदम मेरा बाहर ही रहता है, कभी सोचते भी नहीं अपने बारे में, ना अपने परिवार के बारे में और ना अपने घर के बारे में, जब भी सोचते हैं जनता के बारे में सोचते हैं, और आगे जब भी सोचेंगे तो पटना के बारे में सोचेंगे, चाहे वो कोई भी फंड हो, केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो या पटना नगर निगम का जो अपना राशि हो, तो वो सब विकास के ओर मेरा ध्यान रहेगा, और जितना हो सके विकास करेंगे, चाहे वो नमामि गंगे हो,
चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या फिर राशन पेंशन की दिक्कत हो, या फिर सफाई कर्मी का हो, या माननीय पार्षद का भी कोई भी समस्या हो, तो हर चीज़ पे मेरा नजर रहेगा और हर काम बहुत अच्छे से करेंगे। लोग बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो भी लोग मेयर बनने के लिए खड़े हो रहे हैं वो पैसा के लोग नहीं हो रहे हैं। तो यही तो मेरा कहना है कि हम जो 5 साल काम किए हैं, आप एक एक जन से पूछ सकते हैं कि कभी भी मेरा ऐसा नहीं रहा है छवि कि हम किसी से 1 रुपया लिए हो, चाहे वो संवेदक हो, चाहे कोई पार्षद हो, चाहे कहीं भी आप पूछ सकते हैं, एक गरीब घर में या बड़े बिल्डिंग में भी जाके पूछ सकते हैं, किसी थर्ड पर्सन से भी पूछ सकते हैं। तो आज तक रिकॉर्ड नहीं है कि किसी माला सिन्हा किसी से 1 पैसा ली है, और जहाँ तक होता है हम घर से ही सेवा करते हैं। बस जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो आप हम पे भरोसा करते आए हैं और आगे करेंगे, तो हम आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे, और भगवान के मंदिर में कभी झूठ बोला नहीं जाता, हम हमेशा सच बोलते हैं और सच का साथ देते हैं।